तो भाई आप लोगों का स्वागत है एक और नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को घुमाऊंगा सेंटोसा आइलैंड और साथ ही हम चलेंगे सिंगापुर के चांगी एयरपोर्ट पे द ज्वेल को देखने। तो भाई एक और नई वीडियो में आप लोगों का स्वागत है सेंटोसा आइलैंड से। और इस वक्त मैं यूनिवर्सल स्टूडियो से निकल के बाहर आ चुका हूँ और अभी मैं आया हुआ हूँ कसिनो वाले एरिया में। तो वहाँ पीछे जो है वहाँ पर है कसिनो, तो कसिनो जा कर के देखते हैं और क्या एक्सपीरियंस रहता है। बाकी अगर आपको यूनिवर्सल स्टूडियोज़ के बारे में जानना है तो आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हो जिसमें मैंने पूरा यूनिवर्सल स्टूडियोज़ कवर किया था। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा बाकी का सेंटोसा आइलैंड। तो सबसे पहले अभी हम जाते हैं कसिनो में। तो भाई कसिनो के अंदर अगर आप लोगों को जाना है तो उसके लिए भाई पासपोर्ट चाहिए ओवरसीज़ गेस्ट के लिए, और अगर आप सिंगापुर में ही वर्क करते हो तो आपकी सिंगापुर वाली आईडी चल जाएगी। तो ये सीन है भाई कसिनो का। अगर आपको कसिनो में जाना है तो आपको चाहिए भाई अपना पासपोर्ट, तो बिना पासपोर्ट के बताना अगर कसिनो जाने का मन हो तो। और मैंने अपना पासपोर्ट कैरी किया नहीं था तो इसलिए मैं कसिनो में नहीं जा पाया। तो यहाँ से निकल के मैं पहुँचा सीधा रिजॉर्ट्स वर्ल्ड स्टेशन पे और यहाँ से मैंने ली मोनोरेल और मोनोरेल से मैं पहुँचा सीधा बीच स्टेशन पर। तो ये यहाँ पर अगर आप चाहो तो भाई थोड़ी बहुत एक्टिविटीज वगैरह हैं वो कर सकते हो, और थोड़ा बहुत यहाँ पे खाने पीने का है खा भी सकते हो, आइसक्रीम वगैरह है और कोल्ड ड्रिंक बियर और ड्रिंक्स वगैरह सब जगह मिल रही हैं। और अभी हम आ चुके हैं यहाँ पे सिलोसो बीच पे और ये रास्ता जा रहा है बीच के लिए। तो चलते हैं बीच पर और देखते हैं भाई कैसा बीच है। और एक चीज़ और मैं आप लोगों को बता देता हूँ भाई कि सिंगापुर में जितने भी बीचेस हैं ना वो सारे के सारे हैं मैन मेड, यानी कि ये आर्टिफिशियल बीचेस हैं। और जो भी यहाँ पर सैंड वगैरह है वो सारी सैंड जो है बाहर के देशों से यानी कि आसपास से थाईलैंड मलेशिया वगैरह से इम्पोर्ट की गई है और उसके बाद में ही ये बीच जो है बनाए गए हैं। ये आप देख सकते हो भाई बीच तो बहुत ही अच्छा बनाया है भाई, भले ही मैन मेड है आर्टिफिशियल है बट साफ सुथरा और अच्छा बीच है। तो बीच शटल जो है ना यहाँ पे चलती रहती है भाई, और ये आ गई भाई देखो एक बीच शटल। तो भाई ये यहाँ पर जो है प्राइजेस है रेंट करने के, अगर आपको बाईसाइकिल रेंट करनी है सेंटोसा आइलैंड पे तो आप वो भी कर सकते हो, और बाईसाइकिल से आप आराम से पूरा जो है सेंटोसा आइलैंड भी घूम सकते हो। लेकिन ये जो बीच शटल चलती है ना ये बिल्कुल फ्री चलती हैं, तो इनको भी आप चाहो तो ले सकते हो। तो बीच शटल से आपको पूरा बाकी का जो सेंटोसा आइलैंड है वो घुमाता हूँ, क्योंकि बीच शटल जो है एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है भाई घूमने के लिए, और चलना चाहो आप चल भी सकते हो। और पूरा वही बीच है उसी टाइप का बीच है जो मैंने आपको अभी दिखाया, बाकी बीच शटल में बैठ जाओ और अपने आप चलती रहती है। और भाई जो टूर गाइड है ना वो इन्फॉर्मेशन भी देता रहता है साथ साथ माइक पे, तो वो भी सुन सकते हो आप आराम से बैठे बैठे, तो वो ज़्यादा बढ़िया ऑप्शन लग रहा है मेरे को। तो अभी आती है जैसे ही तो बीच शटल से चलते हैं आगे घूमने के। तो भाई ये बैठ गया हूँ मैं सेंटोसा बीच शटल में, और ऐसा कुछ नहीं है भाई कि इस साइड वाली में बैठो या उस साइड वाली में, किसी में बैठ जाओ दोनों साइड में चलती है ये रोड के, तो बस इसमें बैठ जाओ और पूरा राउंड घुमा करके लाएगी ये यहाँ छोड़ देगी। ये इस वक्त है भाई जो मेन स्टेशन है, यहाँ से ऊपर से मोनो रेल मिल जाती है तो वो मैं ले लूँगा जब हम राउंड मार के आ जाएंगे पूरे आइलैंड का। अपनी पूरी जो राइड है वो पूरी हो गई है और सेंटोसा आइलैंड की शटल से जो है मैंने पूरा सेंटोसा आइलैंड घूम लिया है, बैठे बैठे एक्सप्लोर हो गया भाई पूरा। आपको उतरना है किसी बीच पे तो आप चाहो तो उतर जाओ, नहीं तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बैठे रहो और सब एक्सप्लोर करते रहो। मैं तो वही किया भाई, मैं तो आराम से बैठा रहा और सारे बीचेस वगैरह पे गई और बढ़िया अपना हो गया। और लगभग 45 मिनट्स लगे होंगे पूरा जो इस बस का रूट है उसे कवर करने में। और अब मैं जो है यहाँ से फ्री हो चुका हूँ, सेंटोसा आइलैंड का मेरा टूर पूरा हो गया है।
और अब मैं यहाँ से मोनो रेल लेकर के निकल रहा हूँ हॉस्टल की तरफ। तो भाई निकल चुका हूँ वापस हॉस्टल से बाहर और अब जा रहा हूँ मैं डिनर करने। तो एक बार आपको अब MTR रेस्टोरेंट जो है वो दिखा देता हूँ कि वो कैसा है और क्या वो बढ़िया है भाई वेजिटेरियन फूड खाने के लिए, क्योंकि भाई कल रात को जिस रेस्टोरेंट में मैंने डिनर किया था उसका खाना उतना टेस्टी नहीं था। तो ये आ गई भाई अपनी फिर से लिटिल इंडिया वाली स्ट्रीट और वो आ गया भाई सामने मंदिर। अच्छा अभी मंदिर खुला हुआ है तो भाई अच्छा लग रहा है, रात को लाइट वाइट लग गई हुई चल रही है। तो भाई ये आ चुके हैं हम MTR वेजिटेरियन रेस्टोरेंट पे, चलते हैं अंदर देखते हैं भाई कैसा खाना है। तो ये है भाई अपना टेबल नंबर 53। तो भाई ये आ चुका है अपना खाना मसाला डोसा। तो भाई रेस्टोरेंट से बाहर आ चुका हूँ और डिनर अपना हो गया है। बहुत ही अच्छा खाना है MTR रेस्टोरेंट में, प्योर वेजिटेरियन प्योर देसी घी में खाना है और भले ही भाई नॉर्थ इंडियन चीज़ें नहीं है साउथ इंडियन खाना है, बट जो है खाना जो है बहुत बढ़िया है भाई, हाईली रिकमेंडेड है भाई। अगर किसी को सिर्फ वेजिटेरियन खाना ही खाना हो ना और साउथ इंडियन खाना खाना हो स्पेशली तो आप यहाँ आ सकते हो। बिल्कुल जो है मंदिर है लिटिल इंडिया वाली रोड पर उसके बिल्कुल सामने ही है भाई मेरा। तो भाई खाना पीना तो हो गया है, अब मैं सोच रहा हूँ अब हम चलते हैं भाई एयरपोर्ट पर ज्वेल देखने। तो भाई एयरपोर्ट पर मैं ज्वेल देखने रात को क्यों जा रहा हूँ, इसका एक रीज़न है कि भाई रात को जो है वहाँ पर होता है लाइट शो, लाइट एंड साउंड शो होता है जो कि शुरू होता है शाम को 7:30 बजे से और रात को 12 बजे तक होता है वो। तो वो शो देखेंगे थोड़ा बहुत और रात को जो बिल्कुल अलग ही लगता है जो एयरपोर्ट ज्वेल है और सबसे अच्छा जो है वो रात को ही लगता है भाई। तो अगर आप एक्सपीरियंस करना चाहो तो भाई रात को ज़रूर जाना। तो भाई अभी जो है मुझे जाना है ब्लू लाइन से और ब्लू लाइन से मेरे को लेनी है मेट्रो अभी हमें बेंडेमियर स्टेशन पे और जाना है मुझे अपर चांगी तक। अपर चांगी से फिर जो है हमें एक बस मिलेगी और बस से हम पहुंचेंगे अपना एयरपोर्ट ज्वेल चांगी एयरपोर्ट पर। तो ये भाई अब हम आ चुके हैं एयरपोर्ट पर और यहाँ से जो है ऊपर जा रहा है ये देखो रास्ता ज्वेल के लिए और अभी बज रहे हैं लगभग 9:45 और लास्ट ट्रेन जाती है रात को 11:15 पे। तो भाई मैं ज्वेल को देखने अभी इसलिए आया हूँ क्योंकि जिस दिन मेरी फ़्लाइट है तो फ़्लाइट है मेरी सुबह को 7 बजे के आसपास की, जिसके लिए मेरे को एयरपोर्ट पे पहुँचना है लगभग सुबह 4:30 बजे तक। तो भाई आप ये लगा लो कि मैं लगभग 3:30 बजे निकलूँगा अपने हॉस्टल से और तब जाके मैं 4:30 तक एयरपोर्ट पहुँच पाऊँगा और रात को जो है भाई जैसा कि 11:15 के बाद में मेट्रो भी बंद हो जाती है तो इसीलिए जो है फिर मैं आ नहीं पाऊँगा मेट्रो से MRT से। और जो ज्वेल है ना वो डिपार्चर वाले टर्मिनल से काफ़ी दूर है तो मैं उसका व्यू एंजॉय नहीं कर पाऊँगा। तो ये रहा भाई ज्वेल। ये रहा पीछे नज़ारा ज्वेल का। तो भाई ये जो है लार्जेस्ट इंडोर वाटरफॉल है वर्ल्ड का, बाकी आप अलग अलग जगहों से अलग अलग फ्लोर्स बने हुए हैं वहाँ से नज़ारा ले सकते हो और ये सब बिल्कुल फ्री है इधर से नज़ारा लेने का। और ये देखो ये चल रही है भाई स्काई ट्रेन, ये आ गई और इसके कलर्स भी चेंज हो रहे हैं भाई।
तो अभी भाई ये जो है अब बंद कर दिया है इन्होंने, और अब शायद जो है ये नहीं चलेगा अभी। इसमें भाई मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ये जो सारा एरिया है ना, नीचे का जो एरिया है या फिर यहाँ से आप ऊपर चले जाओ तो यहाँ तक आप जो है जा सकते हो, और कहीं से भी आप फोटो वोटो खींच सकते हो, वीडियोस बना सकते हो और व्यू इसका इंजॉय कर सकते हो। अभी तो चल नहीं रहा है। बाकी अगर आपको, अगर आपने टिकट ली है तो आप जाओगे उस वाले ब्रिज के ऊपर, बस उस ब्रिज पे जाने की टिकट है और ऐसा कुछ नहीं है भाई। यहाँ फ्री वाली एंट्रेंस से जब इतना सही व्यू आ रहा है तो भाई फालतू में टिकट क्यों ही लेनी है, और फिर भी आपका मन है तो भाई आप वहाँ उसकी टिकट ले सकते हो। दूसरा व्यू एंजॉय करने के लिए भाई जो स्काई ट्रेन जो चलती है ये, उस स्काई ट्रेन से आप टर्मिनल 2 और 3 के बीच में जा सकते हो। बाकी स्काई ट्रेन भी नहीं चलती यार उस टाइम पे जब मेरी फ़्लाइट है, वरना मैं अंदर से व्यू लेता। तो भाई अपना मेट्रो से बाहर आ चुका हूँ और इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, क्योंकि मैं पहुँच चुका हूँ अपने स्टेशन पर। अब मैं जा रहा हूँ अपने हॉस्टल, और अपने हॉस्टल जा करके अब बस आराम करूँगा। तो बाकी इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।